वेलकम व्यूअर्स, मैं इस वक्त कोटे टाउन के अफर में खड़ा हुआ। आप जैसे देख सकते हैं कि बोर्ड मेरा दिख रहा है, मैं आपको व्यू भी करा दूँ इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मकानात बने हुए हैं। ये लोकेशन मैं आपको बता दूँ, ये है जब सराफगोड़ से आएंगे 20 मिनट की मुसाफियत है। सीधे हाथ पर जब जॉन मोटर्स आएगा उसके अंदर गली में मौजूद है। ये यहाँ पर अच्छे से कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी मैं आपको मज़े दिखाता हूँ। ये देखिए जी, मकान अभी नया बना है। ये सारे मकान अभी ज़ेर तामीर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, मुझे बताएंगे ये किस इलाके में है, कौन सा इलाका है, क्या ऐसा होता है? ये इलाका हाईवे पे जो सोसाइटीज बनी हुई है, स्कीम 33 लगता है और सोसाइटी का नाम है कोटा टाउन 18A 18B। ये कोटा टाउन है। और कैटेगरी क्या है इसकी? यहाँ पे समझ लें कि ये 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है सुपर हाईवे से, यानी जमाली पुल जो सुपर हाईवे पे, वहाँ से अगर वो पैदल वॉक करता हुआ आता है तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, वो पहुंच जाएगा। अच्छा, कैटेगरी आप पूछ रहे हैं तो कैटेगरी जो है ये 400 गज़ की कैटेगरी है, और इसमें 400 गज़ की भी है, 600 गज़ की भी है। ये नहीं है कि पूरी 400 गज़ की ही कैटेगरी चल रही है, डिफरेंट कैटेगरीज़ के यहाँ पे जो है वो है। ये जो मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ, ये 400 गज़ की है कैटेगरी। इसमें एक फ्लोर पर दो बने हुए हैं, 200 गज़ और 200 गज़। ये फ्रंट पर 200 गज़ है और इसके साइड बैक साइड 200 गज़ का है। अच्छा, तो ये ग्राउंड प्लस 2 बना हुआ है, और अगर इस तरह से देखा जाए तो इसमें 6 बने हुए हैं, 2 ग्राउंड पे, 2 फर्स्ट पे और 2 सेकंड पे, 6 पोर्शन बने हुए हैं। अच्छा, मैं एक मिनट सर, मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ ये आपने बनाया है। ये देखिए व्यूअर्स, ये इनका मकान बना हुआ है। अच्छा, अभी तो भाई अंदर से दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर, आपको अंदर दिखा दिया जाएगा, आप अंदर आ जाएं, आपको दिखाते हैं। अभी इसमें फिनिशिंग का काम जो है वो हो रहा है। अभी बस अंदर से भी चेक कर लेते हैं। ये इसका टेरेस है एंट्रेंस पे, और ये इस पर टाइल लगा हुए फ्रंट पे बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स। ये इंट्रेंस के भी 2 दरवाजे हैं, एक ये जिधर से हम आए हैं ये फ्रंट है, और इसका एक पीछे से भी दरवाज़ा है, जहाँ से कि अगर हम अभी एग्जिट करेंगे तो वो आपको दिखा देंगे। इसका बैक साइड से भी दरवाज़ा है, और अंदर आने के बाद भी इसके 2 दरवाजे हैं अंदर इंट्रेंस होंगे। एक ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा जिसपे कि ये जाली लगी हुई, जाली का डोर लगा हुआ है, और ये गैलरी है पूरी। इस गैलरी से अगर आप आएँगे तो एक डोर और है अंदर जाने के लिए, और इस गैलरी में एक एक्स्ट्रा वाशरूम भी बना हुआ है, वॉश बेसन लगा हुआ है, और एक इंटर जिसकी ये है, बेसिकली इंटर जिसकी जो है ड्राइंग रूम के हिसाब से ये है। यहाँ पर अगर उसको देखें तो ये फॉल्स सीलिंग सारी हुई है। ये समझ लें कि ये मेन एंट्रेंस, अगर कोई गेस्ट आता है तो वो यहाँ से आ सकता है, और यही ड्राइंग रूम हमने इसका भी बनाया है, इसका ड्राइंग रूम बनाया हमने। ये ड्राइंग रूम है इसका, ये कितना स्क्वायर यार्ड का कमरा, कितना स्क्वायर यार्ड का ये कमरे? 12x12 की भी है, और इसमें एक कमरा जो है वो 14x14 का। ये कितने वाला है? ये 12x12 का कमरा, जो स्टैंडर्ड एक कमरे होते हैं वो 12x12 का कमरा है। हर चीज़ इसमें रेडी है, इवन कि इसमें फैन भी जो लगा हुआ है, नया कमरा लगाया है। एक कमरा आप आ जाए, एक कमरा ये है, इसको आप बेडरूम, ये बड़ा कमरा है 14x14 का।
वाशरूम के अंदर एक अलमारी बनाई गई है ताकि जो कपड़े वगैरह हैं वो भी यहाँ पे रखे जा सके। गैस का डक है, वॉशिंग एरिया है, डक है, ये सामान रखा हुआ है क्योंकि निकाल दिया जाएगा। किचन है 6x12 का किचन है, बड़ा किचन है, उसमें रेडी है, टर्बो लगा हुआ है और वो चीज़ अभी इस्तेमाल में जीरो मीटर अच्छी है। पहले किचन बना हुआ है, चूल्हा भी इसको लगा दिया है, ये ऑटोमेटिक चूल्हा लगा हुआ है, चूल्हा लगा हुआ है, राउटर उसके साथ लगा हुआ है। ये हाइड्रोलिक पानी बिजली गैस सब की मौजूद है, गैस भी आ गई है, बिजली पहले से मौजूद थी, ये इसका डिवाइडर ऐसा बना हुआ है क्योंकि अलमारी इसमें आप आराम से अपना ओवन वगैरह रखते थे, बर्तन वर्तन सेट कर सकते। बिजली और पानी मौजूद है यहाँ पर ना? बिल्कुल, बिजली भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है, पानी 24 घंटे है यहाँ पर, 2 लाइनें पानी की, पानी का प्रेशर लगा देना है, यानी वो रेगुलर आ रहा पानी या गैप से आ रहा है, प्रेशर आता है, प्रेशर भी देख रहा हूँ, पानी रेगुलर आ रहा है, टाइम बना हुआ है। ये फॉर सीलिंग भी बहुत हाई क्वालिटी की फॉर सीलिंग है और टीवी एलईडी भी बनी हुई है, एलईडी बनी हुई है, इसका टीवी लॉन्च है। एक और बेडरूम है इसका, ये देख लीजिए, एक बेडरूम ये है, ये भी 12x12 का रूम है और ये भी इसमें भी 12.5x12 का रूम है, ये कमरा 12x12 का कमरा है, इस पर भी फॉर सीलिंग हुई हुई है, इसके साथ भी एक अटैच बाथ है, सारे कमरों में भी सारे कमरों सब में टाइल्स और अच्छा अभी भाई इसके उसके प्राइस क्या चल रहे होंगे यहाँ पर? प्राइस डिफरेंट है, जैसा बना हुआ वैसे पैसे हैं, इसकी जो हमारी डिमांड है वो 1 करोड़ रुपये की डिमांड है। अच्छा इसमें उन थोड़ी सी ये स्लाइटली ये वो कमी बेशी है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब जो है तकरीबन वो आपको 6 बेडरूम मिलेंगे, 2 बेडरूम आपको 70-75 मिल रहे हैं और इतना अच्छा काम नहीं होगा। भाई कितने स्क्वायर यार्ड करें? 200 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड, ये काम सामान इस पर भी देंगे, फॉल सीलिंग हुई भी है और इसके साथ भी एक अटैच बाथ है, ये बहुत ही कमरों में खिड़कियाँ हैं, जाली लगी हुई है, ये एक ये वही मेन इंटरेस्ट है जो हमने बताया था शुरू में आपको, ये टेरेस है जहाँ पे आप खूबसूरती पैदा कर सकते, गमले लगा के आप तमाम,
एक एग्जिट, एक इसका रास्ता एग्जिट के लिए, जिसको एंट्रेंस कह लें एग्जिट कह लें, वो पीछे से खाली हो गया। ये दूसरा एड्रेस है, ये सीढ़ियाँ जा रही है जो ऊपर रहते हैं लोग, उनके लिए